तो ठीक है नन्हे उस्तादों, सबसे आखिर में जो इस घर से हाथ उठाएगा ये उसी के नाम हो जाएगा। मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मुझे मेरी मॉम ने घर से निकाल दिया। मैंने अपनी कार गैराज में पार्क भी कर दी। मुझे घर चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जीतूंगा ताकि इनको ना मिले। यार इसे तो इनमें से किसी को जीतने दो। नहीं तो दोस्तों रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। जो इससे अपना हाथ हटाएगा या बैठ जाएगा वो हार जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको घर अंदर से दिखाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, अपना हाथ दीवार पर ही रखे हुए हम हमारे व्यूअर्स को अंदर से घर दिखाएंगे। तो दोस्तों इसके लिविंग रूम के बारे में क्या कहना है? लिविंग रूम लिविंग के लिए काफी अच्छा है, स्पेशियस है। बाकी कमरे दिखाएं। ये पहला कमरा है यहाँ पर। डूबी डूबी डू, वाओ गाइस यहाँ पर आओ, ये है कमरा नंबर दो। ओ हाँ, बाय द वे गाइस, बेली हमारा एडिटर। हेलो, आप लोग इससे पहले तो कभी नहीं मिले ना? ये मेरा गेस्ट अपीयरेंस है। ये है रूम नंबर थ्री। रुको, और फिर यहाँ पर ये जगह है आपका ऊपर वाला लिविंग रूम, ताकि आप नीचे देख सको इस तरह। ये मुश्किल है। और फिर ये यहाँ पर बाथरूम है। ठीक है चलो नीचे चलते हैं, टूर खत्म हुआ। ठीक है तो अब ये लोग इन दो पट्टियों से बाहर नहीं निकल सकते। कोई यहाँ मक्खी लेकर आओ ताकि जेक हार जाए। शांत हो जाओ लड़कों। कोई चैलेंज बढ़ा दो ताकि चैंडलर हार जाए। कोई चैलेंज शुरू करो ताकि चैंडलर बीच में छोड़ दे। ठीक है तो चलो एक बार फिर से रूल सुन लेते हैं। बैठना नहीं है, हाथ वहीं रखना है, हाथ बदल नहीं सकते, एक हाथ। ये कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तो जो भी सबसे आखिर में निकालेगा वो यहाँ एक साल के लिए रह सकता है बिना रेंट के। मेरा मतलब जो हाथ हटाएगा वो इस घर में बिना रेंट के एक साल के लिए रह सकता है। अब ये जो चैलेंज है ये बाकी चैलेंजेस के मुकाबले थोड़ा अलग होगा। हम तुम्हारी बैंड बजाने वाले हैं। इस चैलेंज में हम थोड़ा अलग करने वाले हैं। हम हारने वाले को पनिश करेंगे। पांच लोग हैं, जो भी आखिर तक टिका रहेगा उसे मिलेगा घर। बाकी चार जब वो हारेंगे उनके मुंह पर व्हिप क्रीम मारी जाएगी, या हम अंडे भी मार सकते हैं। तो सिर्फ घर ही दांव पर नहीं लगा हुआ है, उनकी इज्जत भी लगी है। मजा आएगा। तो गैरेट तुम्हें घर क्यों चाहिए? क्योंकि मैं अपने घर पर बिना कपड़ों के घूमता और मैं नहीं चाहता कोई देखे। तुम्हें घर क्यों चाहिए? ताकि मैं अपने पेरेंट्स से दूर रह सकूं। मैं एक आजाद पंछी हूं, अपना घोंसला छोड़ने वाला हूं। तो जेक तुम्हें ये घर क्यों चाहिए अच्छे से बताओ। क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे मॉम डैड के रूम में नहीं सोना है। मैं 26 साल का और पेरेंट्स के साथ रह रहा हूं। ठीक है फिर जेक, तुम इस घर से बिल्कुल हाथ मत हटाना। पहले अब तुम बताओ। मैं यहाँ पर नया हूँ और मेरे पास रहने के लिए अपनी जगह नहीं है। ये सच है, ये मेरे लिए एडिट करने के लिए आया है और मेरे अपार्टमेंट में रहता हूँ। सच में तो मुझे अपना घर, ये बाहर निकलना चाहता है। बेली मेरे घर से निकलकर अपने खुद के घर में आना चाहता है इस जगह पर। और ये भी तुम्हारा ही घर है ना? मतलब ही मत बनो और उन्हें जीतने दो। और अपना हाथ सामने रखो, ये दूसरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अब नहीं बोलूंगा। आखिरी चीज अपना फोन दो। क्या मैं अपना फोन? अपना फोन दो, उनका कांटेक्ट सेव किया। ठीक है चैनल, तुम्हारे फोन के लिए थैंक यू। अब मेरे पास फोन नहीं है। मुझे तो सारा ही दिन थर्सडे लग रहा है। एक सेकंड, आज थर्सडे है क्या? अरे हो गया, हमारे पास सबके फोन है। ओके गाइस, अब हमारे पास नर्व गन है, चलो गोली मारते हैं। यार जोर से लगी, पता है? देखते हैं रोड के उस तरफ से भी लगती है क्या। तुम आउट होने वाले थे, वो बस आउट ही होने वाला था। तुम्हारा हाथ छोड़ ये लाइन पर था, हमें एक इंस्टेंट रिप्ले दिखाओ। क्या मैंने अपना हाथ लाइन के उस पार दे दिया? पहले तुम लोग झुक गए। मैं वापस पीछे ले लेता हूँ। गैरेट ये पकड़ो, तुमने कुछ नहीं देखा, शूट कर दो। अरे डर ही गया था मैं, इसमें गोली नहीं। तुम लोग मुझसे पहले झुक गए। मैं बस कह रहा हूँ कि मेरी गोद खाली है, चाहो तो यहाँ कर बैठ सकते हो, बहुत कंफर्टेबल है। घर मेरे नाम करो अभी। तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम्हें जेल हो सकती है। तुम ये मत करो। रुको, लगता है ये मेरी होड़ी में चला गया। तुम्हारे सिर के पीछे, तुम्हें गोद में कुछ चाहिए? मैंने नहीं किया, गैरेट ने मारा, गैरेट ने धक्का दिया। तुम्हें शूट करने के लिए चैंडलर को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि चैंडलर ने मुझे शूट किया है, मैं उसको आलू से मारूंगा। मैं एक अंडा लूंगा तो उसे लगेगा कि उस पर अंडा मारने वाला हूं, पर जब वो मुड़ेगा तब मैं उस पर आलू फेंक के मारूंगा। जैसे इसे फेंकूंगा वो डर जाएगा और फिर। ठीक है तुम सब लोग चैंडलर से दूर हो जाओ, और चैंडलर तुम बीच में रहो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे अच्छे कपड़े हैं। तुम्हारी पॉकेट में अंडा है या फिर तुम्हें चीजें फेंकने में मजा आता है बस? ये तो आलू है। ये तुम्हारी सजा थी। ये आलू तो पत्थर जैसा दिख रहा है, अजीब है यार। अरे यार ये जमा हुआ था क्या? देखते हैं आलू को बीच हवा में मार सकते हो क्या। ये बहुत करीब था। क्या मैं एक और ट्राई कर सकता हूँ? पॉइजन डार्ट, एक और बार करना है। अगर तुमने दोबारा किया और लग गया तो तुम किसी को परेशान कर सकते हो, पर अगर नहीं लगा तो मैं तुम पर ये अंडा मारूंगा। हाँ यहाँ कुछ काला है, जैसे ही ये नहीं लगेगा मैं ये अंडा तुम पर मारूंगा। ठीक है
मैंने नहीं मारा, अंडा है, सब लोग झुक जाओ। देखते आप कौन बचता है। जब तक इसके पास अंडा है मैं यही रहने वाला हूँ। इधर आओ मिस्टर पोटैटो मैन। नहीं, गैरेट का पिछवाड़ा एग प्रूफ है, ये तो कंफर्म है। कैसे मैं अपने पास ही रखूं? ओ देखो, मैं तुम लोगों के करीब नहीं आने वाला हूँ। मुझे इसे ऊपर हवा में फेंक के देखना है इसके छींटे कहाँ तक उड़ते हैं। ओ ये तो वो तरीक, संभाल कर। मैंने तुम सबको जाने दिया। थैंक यू सो मच। इसके लिए उस सामान में से चल लड़ने मिस कर दिया, अब उसे नहीं मिलेगा क्रिसमस ट्री। ये दोनों मुझे पक्के चोर लगते हैं। हाँ, तुम लोगों को मजे नहीं करने चाहिए। एक आलू, आलू किसी को फेंक के मारो। जेक ने जानबूझ कर मैंने नहीं किया। तुम लोगों को अभी भी वो सर्वाइवर वाली चीज करनी है। तुम्हारी कौन में चल रही है? अब तुम अकेले हो, तुम्हें किसी को वोट करना है। चैंडलर, ठीक है वहाँ जाओ। चैंडलर तुम्हें किसे निकालना है? जेक को। ओके ठीक है। बेली यहाँ आओ। शायद क्रिस। ठीक है, अब तक सबके पास एक वोट है, किसी के पास भी दो वोट नहीं। मैं किसी को वोट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे सब पसंद है, लेकिन चैंडलर। ठीक है क्रिस, लाइव आइलैंड में तुम्हारा फाइनल वोट है, ये लव आइलैंड का रैप। चैंडलर, वाओ चैंडलर तुम्हें तीन वोट मिले। क्या तुम लोगों को मैं सच में पसंद नहीं आता? हाँ यही सच है। टाइम क्या हुआ है? 2:37। मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो मैं बाद में मिलता हूँ। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। इसका एक्चुअली डॉक्टर के साथ 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। ठीक है क्रिस, दीवार से हटकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अगर डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट नहीं होती तो मैं। कौन तुम्हारे चेहरे पर क्रीम लगाए बताओ? बेली। ठीक है बेली, इसे क्रीम लगाओ। ये तो मिल्की है। ओके कैसे लगाओ जिससे तुम्हारा दिन खराब ना हो? सीधा नाक के बीच में लगाओ, जोर से मत लगाना। ठीक है तो ये लो क्रिस, तुम्हारा आज का दिन खत्म हुआ। I'm sorry दोस्त। क्रिस आउट हो गया तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं चाहता था कि क्रिस ये जीत जाए, वो हमारा अच्छा दोस्त है। मैं शॉक था। मैं अभी यही हूँ। पर ये अभी यही है। हाँ ये सच है, मुझे पता नहीं था टाइम कितना हुआ है। मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट 1:30 बजे की है लेकिन अभी 11 बजे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो चला गया, अगर वो यहाँ होता तो मैं जीत नहीं पाता। चैंडलर इस बार तुम पहले आउट नहीं हुए। पता है। हाय गाइस, लंच का टाइम हो गया है। किसी को नहीं पता कि उनके खाने में क्या होगा, बिल्कुल नहीं पता। तुम जेक के लिए खाना चुनोगे, बताओ क्या चाहिए? उसे देना एक टोफू सैंडविच। ठीक है, उसे वो पसंद ही नहीं है। मेरे हिसाब से अब चैंडलर की बारी है। श्योर, तुम बेली के लिए चुनोगे, क्या खिलाओगे उसे? मैं चाहता हूँ एक मैक डबल, सिर्फ मस्टर्ड और केचप और बन के साथ, बस इतना। ऑल राइट, मेरी तुम्हारी बारी है चुनने की, तुम चैंडलर के लिए चुन रहे हो। बस एक स्पाइसी चिकन सैंडविच एक्स्ट्रा पिकल्स के साथ। स्पाइसी चिकन एक्स्ट्रा पिकल्स, तुम गैरेट के लिए चुनोगे। गैरेट के लिए? उसके लिए लेकर आओ एक फुट लॉन्ग सबवे, उसमें सिर्फ वीट होना चाहिए और पेपर जैक चीज। बस इतना ही? बस इतना ही। तुम सब लोग बहुत निर्दयी हो, किसी को नहीं पता कि किसके लिए क्या ऑर्डर किया। तुम्हारे लिए लार्ज फ्राइज बेली। हाँ ठीक है, तुम लोग ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, किसी को भी दूसरे को हाथ लगाना अलाउड नहीं है। ठीक है, ये बेली का है, ये बेली का है, ये लो। चैंडलर ने तुम्हारे लिए खाना चुना। वाव ये बहुत ठंडा है पर मुझे अच्छा लगा। हाँ ये है तुम्हारा सैंडविच। तो हमारे पास यहाँ एक वीट बन, चीज का एक पीस, दो टमाटर और लेटिस और दूसरा वीट। ये बन। वो नहीं जो मैंने ऑर्डर किया था। मुझे दुख नहीं हुआ। तो ये गैरेट के लिए। तो गैरेट ये लो तुम्हारा सबवे सैंडविच। इसमें सिर्फ ब्रेड है ना, लग तो ऐसा ही रहा है। ये इतना बुरा नहीं है, मैं इसे खा सकता हूँ। थैंक यू। ब्रेड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ काम करने वाले हर आदमी ने उसे छुआ है। ठीक है, गैरेट ने तुम्हारे लिए मंगवाया, एंजॉय करो। ये टोफू सैंडविच कैसा है? क्या इसमें टोफू है भी? क्या मुझे मिलेगा? ये कसम से बहुत ही स्पाइसी है, सच कह रहा हूँ। चैंडलर का खाना किसने चुना? बेली था क्या? बेली ने तुम्हारा खाना चुना, ये लो। रुको, इस पर लिखा है एक्स्ट्रा पिकल्स और आज मैं खाना नहीं खाऊं। रुको, रुको रुको रुको, बन हटा कर देखो। हाँ क्यों नहीं, देखो इसमें सारा पिकल्स की खुशबू आ रही है। तुम भूखे रहोगे या कुछ पिकल खाओगे? मैं खा सकता हूँ। ठीक है, चैंडलर को अपना खाना नहीं चाहिए। चैंडलर तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं पिकल से दिल से नफरत करता हूँ, मुझे उनसे डर लगता है। रुको, करो यार। नहीं जाओ प्लीज, रुको, मुझसे दूर ही रहो, रुको। तुम्हें पिकल से इतना डर क्यों लगता है? तुम किस्मत वाले हो। ओह कैमरा ने नहीं देखा, मुझे देखने दो ये रिकॉर्ड हुआ या नहीं। हाँ हुआ है। चैंडलर तुमने अपना हाथ हटाया। क्या मतलब? पिकल की वजह से ये हार गया। अरे मैंने कुछ नहीं किया दोस्त, मैं तो बस देखकर डर गया था। तुमने दीवार से अपना हाथ हटाया ना। हाँ इधर आओ, उधर नहीं इधर आओ, ज्यादा दूर मत जाओ। ठीक है गैरेट, तुम इस पर आइसक्रीम लगा सकते हो, तुम्हें शायद हुडी निकालनी होगी। हाँ हुडी निकाल दो। पहले हो गया तो चलो तैयार हो जाओ। 3, 2, 1।
ठीक है। और अब चैनला ऑफिशियली आउट है, अच्छी कोशिश की तुमने। ठीक है, तो इन सब के ठीक ऊपर एक खिड़की है और चैनला इन सबसे छोटा सा बदला लेना चाहता है, तो ये सारा कचरा इस खिड़की से ये उनके ऊपर फेंकने वाला है। चिल्लाओ 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 सब चिल्लाओ। और अंडे लो, हमारे घर से बाहर निकलो। उसने नेट फाड़ दी, बस एक ही तो काम मैं था। मैं तारिक को मारूं तो शायद ये टूट जाए, आओ देखते हैं। सॉरी गाइस, मैंने तुम्हें फंसाया। ओ नहीं ओ नहीं, ये देखो। हजारों डॉलर्स हैं, जो भी इन्हें छुएगा ये उसके हो जाएंगे। ये यहाँ इसके नीचे रखे हैं। ठीक है, आओ। पीस। अच्छा खेला। हाँ, तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें पाए करूंगा, देख लेना। अरे मुंह पे क्रीम तो लगा लो। ओ हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया, मैं चैंडलर को करने दूंगा। ठीक है। मारो मुझे। ओह क्या बात है। और गैरेट ऑफिशियली आउट है। मुझे मुंह पोछने जाना है। मैंने पैसे देखे और मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। मुझे लगता है मैंने अच्छा किया। यार मुझे खाना चाहिए। अच्छा तुम ये चाटना चाहोगे? ठीक है, तो अब बस हम दो बच्चे हैं। हाँ, तो क्या कहते हो? ये तीन बेडरूम से, सही कहा ना? हाँ। क्या होगा अगर हम दोनों एक साथ? रुको, तुम दोनों डील बना रहे हो? मत करो। हाँ, हम एक डील करने वाले हैं। मैंने इतना वेट किया और तुम डील करने वाले हो? नहीं, 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 मिल गया। लेकिन हम तो रोज पिकल्स खाने वाले हैं। तो अगर हम दोनों ने अभी एक साथ हाथ उठाया तो हम ये जगह ले सकते हैं, है ना? इसमें तीन बेडरूम है। सही कहा। दो तो तुम लोग एक दूसरे के साथ बांटने का ऑफर कर रहे हो। तो अभी बारिश भी होने वाली है तो फिर ओके। चलो इसी बात पर अपना हाथ मिला। रुको रुक जाओ, इसके पहले कि ये हाथ मिलाए क्या हम कुछ बात पॉइंट आउट करें। ये बेली का पहला चैलेंज है और ये जीतने वाला है। और बेली अपना पहला चैलेंज जीत जाएगा। और चैंडलर नहीं, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। चैंडलर वापस आओ यार। अरे नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जीत जाओगे, छोड़ो। अच्छा नेगोशिएशन पर वापस चलते हैं, मैं बस इस बात को पॉइंट आउट कर रहा था। ओके, तो फिर काउंटडाउन शुरू करो और दोनों एक साथ हाथ उठाकर शेयर कर लो, मेरा मतलब जो तुम लोग चाहते वो करो। 3, 2, 1, go. तुम उसके साथ रहने वाले हो ना, क्योंकि तुम हम वैसे भी साथ में रहेंगे। ओके, मुझे माफ कर देना। जेक हार गया। मैं समझ गया। मुझे लगा वो भी वही करेगा और फिर वो टाई हो जाएगा। जो भी हो, ठीक है। जेक पॉलर्स, ये है घर के आगे पीछे और सारे दरवाजों की चाबी। हम शिफ्टिंग में तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जीत गए हो। तो बेली ने ये रूम लिया है और जेक ने ऊपर के दोनों रूम्स लिए हैं। ओके, चलो तुम्हें घर में शिफ्ट करते हैं। बाहर बहुत ठंड है ये करने के लिए। हे जेक, तो हम अभी कहाँ हैं? हम अभी मेरे पेरेंट्स के घर पर हैं, तो मैं यहाँ से अपना सामान लूंगा, ट्रक में उसे लोड करूंगा और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, तो बेली यहाँ पर रह रहा था मेरे पुराने अपार्टमेंट में, तो हाँ बताओ तुम्हारे पास क्या है? तो ये टेम्पररी था, मैंने यहाँ ऑलरेडी अपना बहुत सामान खोला नहीं है, पर यही हाँ, है। मैं समझता हूँ, ये इस शहर में मेरे लिए एडिट करने को आया है और इसे आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हाँ वाह, तुम तो आसानी से शिफ्ट हो जाओगे। तो ठीक है, हमारे पास बस इतना ही सामान है, मुश्किल नहीं लगता। हे, तुम्हारा पहला चैलेंज है और तुम जीत गए। मेरे कमरे में, कांग्रेचुलेशंस मैन। मेरे कमरे में सबसे पहले ये वाला बॉक्स जाएगा। चैंडलर सीधे हो जाओ, मैं मदद नहीं करने वाला। ओह माय गॉश, ये अजीब है, ये गुफा के जैसे। ये मस्त है यार, पीछे तो जन्नत है। ये मजाक है क्या? क्योंकि तुम हार गए हो, तुम यहाँ रह सकते हो। ये इसकी जगह होगी कभी अगर आया तो। ठीक है, रुको, आराम से, मदद करो, ये भारी है, धक्का दो इसे, मदद करो। जेक के चिल्लाने से मुझे डर लगता है। बेली, तुम्हारा रूममेट एक वाइकिंग है। हाँ, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? डरावना है पर प्रोटेक्टेड फील करता हूँ, पता है मुझे सेफ महसूस हो रहा है। ओह सॉरी। तो क्या अभी भी सेफ फील कर रहे हो? गैरेट खाना भी इंक्लूडेड था। ओके दोस्तों, तो काफी लंबा दिन था पर तुम दोनों ने चैलेंज जीत लिया है, तो ये रही कीज। इन दोनों को साथ में रहना था तो ये पकड़ो, हमने थोड़ा बहुत सामान शिफ्ट करने में मदद की है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और कुछ बोलना? थैंक यू मिस्टर बीस्ट घर के लिए। और फिर मेरा नाम मिस्टर बीस्ट है, जिमी नहीं है। जिमी, थैंक्स जिमी बीस्ट,
हमें रहने देने के लिए। बहुत चला सच में। मुझे अच्छा लगा। क्या तुम लोग जा सकते हो? ओके रुको। नहीं नहीं चाबी तो मेरे पास ही रहेगी। मुझे वॉशरूम जाना है, जाने दो। देखो वहाँ पर है, बस चाबी दिखाओ तो। ऑलराइट थैंक यू बाय। जेक अच्छे से रहो। मुझे मैंने मुझे, मैंने कहा बाय। ऐसा करोगे तो सबको तुम्हारे घर का नंबर पता चल जाएगा।